डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी ईयर 305 की क्वेरी लेक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो इस लेक्चर के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और मैं उसे आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे या तो ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो आज हम बात कर रहे हैं स्विच मोड पावर सप्लाई की। तो स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे स्विच मोड, यहाँ पे जो वर्ड है मोड का मतलब क्या है, स्विच का मतलब क्या है, पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई हम जानते हैं कि वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक पावर को लोड पे सप्लाई करती है। अब बात आती है स्विच मोड की, तो स्विच यहाँ पर ये पावर सप्लाई अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ स्विचेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ PWM टेक्निक, पल्स विद मॉडुलेशन टेक्निक। इसलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब वो पावर सप्लाई जो स्विचेस की हेल्प से, और स्विचेस क्या है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर, तो स्विचेस की हेल्प से PWM टेक्निक को यूज़ करके अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसकी जैसे जो सिलेबस में आपके वो है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, टाइप्स के बारे में और इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि जो पावर सप्लाईज होती हैं कई टाइप की होती हैं, जैसे बैटरी हो गई, डीसी पावर सप्लाई हो गई, एसी पावर सप्लाई हो गई, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई हो गई, और UPS हो गई, और SMPS। तो अब SMPS के बारे में पढ़ेंगे। तो SMPS की जो एडवांटेजेस हैं, देखिए ये इसका पिक्चर है एक SMPS का कि देखने में किस तरह से होती है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पिक। अब हम बात करें इसकी एडवांटेजेस के बारे में कि दूसरी पावर सप्लाई की कंपैरिजन में इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए इसका वेट बहुत कम होता है, साइज में बहुत छोटी होती है ये, एंड हाई एफिशिएंसी की होती है, पावर डिसिपेशन भी बहुत कम होता है, और जो इनपुट वोल्टेज रेंजेस हैं बहुत ही वाइड होती हैं, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। फिर ये इसकी तीन डिसएडवांटेजेस है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेक्टिफायर सर्किट भी होता है, इन्वर्टर सर्किट भी लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, और फिल्टर सर्किट भी लगे होते हैं। तो इतने सारे सर्किट्स की वजह से थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इसकी सिर्फ डिसएडवांटेज है, बाकी इसकी एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। तो अब हम फिर इसके बारे में बात करते हैं, इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि क्या इसमें सर्किटरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट एंड फिल्टर सर्किट इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इनपुट साइड में ये रहा रेक्टिफायर एंड फिल्टर, और आउटपुट साइड में ये रहा। तो और इसके अलावा इन्वर्टर सर्किट है, ट्रांसफार्मर सर्किट है, और एक ये फीडबैक सर्किट है जिसे चॉपर कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये पांच सर्किट है यहाँ पे। तो इनपुट में जो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर डीसी को फिल्टर आउट भी कर देता है, रिपल फ्री बना देता है। फिर ये डीसी इन्वर्टर सर्किटरी के थ्रू एसी में कन्वर्ट होती है, और फिर ये एसी ट्रांसफार्मर पे अप्लाई की जाती है, क्योंकि उस एसी को बढ़ाना है या घटाना है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। फिर इस एसी को जो है अगेन डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर सर्किटरी के थ्रू, एंड देन अगेन अगर कोई भी इसमें हारमोनिक्स है तो वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास प्योर डीसी आ जाती है, रेगुलेटेड डीसी। और अगर अभी भी रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज नहीं आई है तो फिर अगेन हम इसको फीडबैक सर्किट, मतलब चॉपर जो कि डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो अगेन उसको हम फिर इन्वर्टर सर्किट पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये इसके स्टेजेस हैं, पांच स्टेजेस हैं SMPS की, जिसके बारे में हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देखा। तो यही है, इतने सर्किट्स हैं इसलिए इस सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरह के होते हैं SMPS, एक तो होता है आइसोलेटेड टोपोलॉजी, और एक होती है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया जाता है, और आपके सिलेबस में आइसोलेटेड टोपोलॉजीज़ हैं। तो ये पांच हैं हमारे आइसोलेटेड टोपोलॉजीज़, फ्लाईबैक कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर, पुश पुल कन्वर्टर, हाफ ब्रिज कन्वर्टर एंड फुल ब्रिज कन्वर्टर। इनकी मैक्सिमम आउटपुट पावर रेंज क्या है, फ्लाईबैक की है 200 वॉट तक यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड की 300 वॉट तक, पुश पुल की 500 वॉट तक, हाफ ब्रिज की 1000 वॉट तक, एंड फुल ब्रिज की अबव 1000 वॉट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेंजेस के अकॉर्डिंग ही इनकी एप्लीकेशंस हैं।
नॉन आइसोलेटेड टोपोलॉजीज में आते हैं बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम होता है, बूस्ट में आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा हो जाता है, एंड बक बूस्ट में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये है नॉन आइसोलेटेड टोपोलॉजीज। यहाँ पे सिर्फ सिंगल इंडक्टर यूज़ में लिया जाता है एनर्जी स्टोरेज के लिए, और वहाँ पे आइसोलेटेड टोपोलॉजीज में आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते थे हम। तो अभी आपके सिलेबस में जो वो है आइसोलेटेड टोपोलॉजीज है, तो उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो फ्लाईबैक कन्वर्टर का ये सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है। इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज़ में लिया हुआ है एज ए स्विच, और यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट के लिए डायोड यूज़ में लिया है, फिल्टर सर्किट के लिए कैपेसिटर यूज़ में लिया हुआ है, और फीडबैक सर्किट यहाँ पे कंट्रोल सर्किट थ्रू शो किया हुआ है। और आइसोलेटेड है ये, तो इसमें एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज़ में लिया हुआ है, बट फॉर अपोजिट पोलैरिटी का। यहाँ पे देखिए डॉट कन्वेंशन दोनों अलग अलग साइड में है, प्राइमरी में लोअर साइड में और सेकेंडरी में अपर साइड में है। तो इस मीन्स अपोजिट पोलैरिटी का ट्रांसफॉर्मर यूज़ में लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में अगर हम पढ़ें, तो जब ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं तो ये प्लस हुआ, ये माइनस। तो अगर ये प्लस है तो अपोजिट पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस होने की वजह से डायोड D1 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब एनर्जी कैसे सप्लाई होगी, कैपेसिटर के थ्रू ही होगी। और जब अगर ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो यहाँ पे माइनस, इधर प्लस, तो इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ प्लस हुआ तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस होने की वजह से डायोड D1 कंडक्ट करेगा और वो जो करंट को सप्लाई करेगा लोड की तरफ। तो इसकी वर्किंग में हमें यही बताना है कि ट्रांजिस्टर जब ऑन है तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, और जब ट्रांजिस्टर ऑफ है तो कैसे करंट फ्लो हो रही है, मतलब कुल मिलाकर के एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है लोड की तरफ, क्योंकि सप्लाई का काम यही होता है पावर सप्लाई का, कि एनर्जी को लोड पे सप्लाई करना। और स्विचेस की हेल्प से, तो स्विच कभी ऑन और ऑफ होंगे, और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है PWM टेक्निक, तो उसमें यही होगा कि कभी पल्स विड्थ को ऑन पीरियड को वेरी करेंगे, कभी ऑफ पीरियड को वेरी करेंगे, तो उस हिसाब से कैसे हमारे पास आउटपुट रेगुलेटेड वोल्टेज आएगा। तो ये फ्लाईबैक कन्वर्टर में वर्किंग मोड्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि मोड 1 का ऑपरेशन, जब Q1 ऑन है तो सर्किट क्या है, और जब Q2 ऑन है तो होगी क्या सर्किट की वर्किंग है। तो हमें सिर्फ सर्किट्स बताने हैं कि Q1 ऑन में ये सर्किट और Q1 ऑफ में ये सर्किट होगा। फिर इसके बाद इसकी वेवफॉर्म यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वेवफॉर्म बनाई हुई है, आउटपुट वोल्टेज की है, और दोनों करंट्स की है, प्राइमरी करंट की भी, सेकेंडरी करंट की वेवफॉर्म, एंड आउटपुट वोल्टेज जो फाइनली हमारा रिपल फ्री रेगुलेटेड वोल्टेज आता है आफ्टर फिल्टर आउट, उसकी वेवफॉर्म बनी हुई है। तो ये था हमारा फ्लाईबैक कन्वर्टर। फिर इसके बाद आते हैं पुश पुल कन्वर्टर सर्किट। इसमें भी ये भी पावर सप्लाई है, इसमें भी हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम सोर्स से लोड की तरफ। तो किस तरह से वो सर्किटरी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, और जो ट्रांसफार्मर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड से सेंट्रल टेपिंग में है, और यहाँ पे सेम पोलैरिटी का ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पे डॉट कन्वेंशन जो है सेम पॉइंट्स पर है यहाँ पे। तो इसकी वर्किंग में भी हमें यही बताना है कि जैसे Q1 ऑन है तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, प्राइमरी में कौन सी वाली वाइंडिंग्स हो रही है, अपर प्राइमरी से या लोअर प्राइमरी से, सेकेंडरी में अपर सेकेंडरी से या लोअर सेकेंडरी से, तो ये हमें बताना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे Q1 को ऑन करते हैं हम, तो इधर प्लस तो यहाँ पे इधर माइनस आएगा, इधर प्लस इधर माइनस तो यहाँ पे माइनस, तो D1 ऑन नहीं होगा और D2 ऑन हो जाएगा, तो करंट कैसे फ्लो होगी। और जब Q2 ऑन होगा तो यहाँ पे प्लस तो इधर प्लस आ गया, इधर प्लस आ गया यहाँ पे प्लस, तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा, तो करंट D1 के थ्रू लोड में जाएगी। तो यहाँ पे वर्किंग में हमें यही बताना है कि कैसे ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ से करंट कैसे सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रही है। तो ये वर्किंग बता रखी है, Q1 ऑन तो आउटपुट कितना, Q2 ऑन तो कैसे आउटपुट, राइट। फिर इसके बाद आता है थर्ड, आता है हाफ ब्रिज कन्वर्टर। इस पावर सप्लाई के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, और कितने ट्रांसफार्मर यूज़ में लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी को सेंटर टेपिंग कर रखी है, डायोड D1 D2 रेक्टिफायर सर्किट का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे LC फिल्टर लगा रखा है, और 2 ट्रांजिस्टर हैं, इनके अक्रॉस एक कैपेसिटर फिल्टर सर्किट भी लगा हुआ है प्राइमरी में भी। तो हाफ ब्रिज में इसकी वर्किंग के बारे में बात करें, तो जब Q1 ऑन है
तो D1 कनेक्ट करेगा और जब Q2 ऑन है तो D2 कनेक्ट करेगा। तो करंट हमारी कैसे सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रही है उसके बारे में हमें बताना है। फिर नेक्स्ट सर्किटरी आती है हमारी यहाँ पर, ये इसकी वेवफॉर्म थी हाफ ब्रिज कन्वर्टर्स की। फुल ब्रिज कन्वर्टर, फुल ब्रिज कन्वर्टर में जस्ट डबल है वहाँ पे हाफ ब्रिज के कंपैरिजन में डिवाइसेस, जैसे चार डिवाइसेस यूज़ ले रखे हैं यहाँ पे, चार स्विचेस यूज़ मिले रखे हैं और यहाँ पे भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। सेकेंडरी इसकी सेंटर टेपिंग है और LC फिल्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पे वर्किंग में हमें ये बताना है कि एक टाइम में जब Q1 Q4 ऑन है तो करंट कैसे फ्लो हो रही है। देखिए जब Q1 एंड Q4 ऑन है तो D1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर प्लस तो D1 कंडक्ट करेगा। और जब Q3 एंड Q2 ऑन है तो D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा। तो फुल ब्रिज कन्वर्टर की भी हमें वर्किंग बतानी है इस तरह से, ये कैसे करंट सोर्स से लोड की तरफ हो रही है। मतलब कुल मिला के हमारा पर्पज है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करना लोड की तरफ। यहाँ पे इनकी वर्किंग मोड दिखा रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसका वेवफॉर्म एनालिसिस है। अब हम बात करें इनके एप्लीकेशंस की, जितने भी हमने SMPS पढ़े हैं। देखिए जनरली मोबाइल फ़ोन चार्जर में यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है और PLCs में यूज़ किया जाता है एंड मशीन टूल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है SMPS। तो ये जितने भी टाइप्स थे हमने उनके बारे में उनकी वर्किंग पढ़ी कि कैसे एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ जा रही है और ये इनकी एप्लीकेशंस है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में कौन कौन से SMPS, कौन कौन सी कंपनीज़ के कितने वोल्टेज रेंज के अवेलेबल है वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ देख सकते हो ये आईवॉल कंपनी है, एनटेक है, कूलर मास्टर है एट्सेट्रा, ये कंपनीज़ हैं और इनके वोल्टेज रेंजेस एंड इनके कॉस्ट एनालिसिस भी शो किए हुए हैं। तो आज हमने ये SMPS के टाइप्स, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और के एप्लीकेशंस और कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आप इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।